ये जिला पंचायत का बड़ा सा कार्य दिख रहा है आपको। जिला पंचायत के तमाम विकास पुरुषों के काम देखिए, ये देख रहे हैं। ये निकासी के लिए कूड़ा सीधे रोड पे आ रहा है, इसके लिए कोई नाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दोस्तों, आज मैं आया हूँ उत्तरकाशी के विकास भवन में। विकास भवन जो खुद के विकास के लिए अंतिम सांसें ले रहा है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ आता हूँ या कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है तो यहाँ की सड़कें देखकर सच में ऐसा लगता है कि जो विकास भवन अपना विकास नहीं कर पा रहा है वो समाज का क्या विकास कर पा रहा होगा। आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस रोड की हालत देखिए। तमाम ऑफिसेज यहाँ पर हैं, जिला पंचायत है और न जाने कितने विभागों, पेयजल से लेकर बिजली विभाग से लेकर सभी विभागों के यहाँ ऑफिसेज हैं, तमाम अधिकारी बैठते हैं, लेकिन वो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं। क्योंकि यहाँ देखिए रोडों की हालत और कितनी योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतरती है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगे हैं। एक गौरा देवी योजना के बारे में आपने सुना होगा, तमाम बहनों को जो ये योजना मिलनी थी, बैच के बैचों का नामो निशान नहीं दिख रहा है और किसी को 5,000 मिला, कितनी बहनों को ये योजनाएं मिली नहीं। तो आखिर इसका मुख्यतः जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी हैं और हमारे क्षेत्र के द्वारा और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, जिनको हम विकास पुरुष के नाम पर आगे भेजते हैं, वो लोग भी सिर्फ नाम का विकास तो हम देख रहे हैं। अभी मैं यहाँ से आगे जाऊंगा रोड पे, तो रोड की हालत क्या है, कितनी कंजेस्टेड है, आने जाने के लिए लोगों के लिए कितनी दिक्कतें होती है। रोड के बगल में कोई पानी की निकासी के लिए कोई तरीकेबद्ध नालियां नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, इस तरफ जो शाड़ा पड़ता है, जो शाड़ा में भी लोग उसी तरह परेशान है। बरसात का पानी आता है, बरसात के पानी से लोगों के घरों में पानी भर जाता है, नालियां नहीं है। दूसरी तरफ लदाड़ी है, तो तमाम योजनाएं जो है वो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अब जो सो कॉल्ड विकास पुरुष हमारे होते हैं, जिला पंचायत का यहाँ बड़ा ऑफिस है, बड़े बड़े जनता द्वारा चुने गए लोगों को हम यहाँ भेजते हैं, लेकिन कोई भी इन समस्याओं को लेकर आगे नहीं आता है। उनको सिर्फ अपना विकास करना है। जनता किस तरह धक्के खा रही है, एक एक काम करवाने के लिए एक एक अधिकारी के पीछे हाथ जोड़ना पड़ता है, कहीं घूस देने के मामले सामने आते हैं, कहीं शुरू में ये पैसा लेते हैं। तो इसीलिए आप लोग 2022 अभी सर पे है, चुनाव जो आप नेता का करेंगे सोच समझ के कीजिए और ऐसे नेता को भेजिए जो सच में जनता की समस्याओं को समझता होगा, उसको आपने अब आगे भेजना। आगे भी मैं आपको रोड की हालत दिखाता हूँ दोस्तों। अब विकास भवन की जो ये रोड है, इसमें नालियों की व्यवस्था देखिए। ये विकास पुरुष यहाँ बैठते हैं, तमाम अधिकारी पढ़े लिखे समझदार ईमानदार बुद्धिमान लोग बैठते हैं, लेकिन नालियां कहाँ है रोडों में, सीधे बरसात का पानी बवंडर के रूप में चलता हुआ लोगों की दुकानों में घुसता है, घरों में घुसता, इसका जिम्मेदार कौन है? पैसे के नाम पे करोड़ों की योजनाएं यहाँ आती है, बहुत सारी योजनाएं धरातल पर भी नहीं उतरती है दोस्तों। आगे मैं कुछ और आपको मेन रोड के हालत दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये छुट्टा गाय भी आपको मेरे पीछे दिख रही होगी, इन गायों का समाधान भी नहीं होगा, इनके पास कूड़े की व्यवस्था देखिए, आधा कूड़ा यहाँ वहाँ, और इस कूड़े के लिए भी कोई प्रॉपर इनके पास उपाय नहीं है। आइए देखिए दोस्तों, ये जिला पंचायत का बड़ा सा कार्यालय दिख रहा है आपको, जिला पंचायत के तमाम विकास पुरुषों के काम देखिए, ये देख रहे हैं। ये निकासी के लिए कूड़ा सीधे रोड पे आ रहा है, इसके लिए कोई नाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, करोड़ों की योजनाएं ये आपको दिख रही है, और ये विकास पुरुषों का दिमाग देखिए, ये सीधे रोड पे, खुली रोड पे छोड़ा जा रहा है। और देखिए किस तरह से आम जनमानस आने वाले समय में, गर्मी के समय में यहाँ कीचड़ होगा, कीचड़ होने से दुनिया भर की बीमारियां उत्पन्न होगी, पर ये करोड़ों का, ये देखिए कार्यालय, जिला पंचायत में बैठे हुए तमाम जनता के प्रतिनिधि सोए हुए हैं, ये लोग ये अंदर काम नहीं करते, ये सोए हुए। अगर ये काम करते होते और सच में इनके पास ईमानदारी होती, कर्मठ होते ये लोग, सबसे पहले इन्होंने इसकी व्यवस्था करवानी थी, कहाँ इनकी व्यवस्था। चलिए आगे मैं कुछ और आपको दिखाता हूँ मेन रोड की तरफ दोस्तों। ये विकास भवन के लिए यहाँ से आप अंदर जाते हैं तो विकास भवन से जब बरसात में पानी आता होगा तो सारा पानी सीधे रोड पे जाता है। अब ये रोड मेरे पीछे देख रहे हैं, पहले ये बहुत कंजेस्टेड रोड है, इस रोड की हालत देखिए और ये नालियों की हालत देखिए। यहाँ ना कोई सफाई कर्मचारी जो इन नालियों का ध्यान रखेगा, जब तमाम
लोग परेशान हो जाते हैं, यहाँ पर दुकानदार रहते हैं, यहाँ पर ग्रामीण आने जाने वाले स्थानीय लोग रहते हैं, उन लोगों को जितनी भी दिक्कतें यहाँ इस रोड से होती है उसका जिम्मेदार कौन है? ये विकास पुरुष सिर्फ और सिर्फ वोट मांगने के लिए आपके घरों में आएंगे, आए दिन हमें यही देखने को मिलता है। इस रोड का जल्द से जल्द यहाँ पर काम होना चाहिए, इस रोड को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाइए, चाहे जिला पंचायत अंदर है, चाहे तमाम विकास भवन के अधिकारी, डीएम साहब, नगर पालिका, सब लोग यहाँ आइए और इन रोडों के जो ये काम है इनको जल्द से जल्द दुरुस्त करवाइए। नहीं तो आम जनमानस देखे रास्ते अंधेरा है, अंधेरे में अगर देखे स्ट्रीट लाइट काम नहीं कर रही, कोई भी यहाँ इस नाले में घुस सकता है, उसका जिम्मेदार कौन है? किसी की गाड़ी, दो गाड़ी आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है, किसी की गाड़ी का टायर यहाँ घुस गया, पंचर हो गया, बम्पर लग गया, कौन इसका खामियाजा भरेगा? और आप लोग इधर जोशाड़ा वाले, इधर लदाड़ी वाले, तमाम क्षेत्र में रहने वाले लोग, तमाम जिला ये शहर में रहने वाले लोग आगे आइए। आप लोगों को जब यहाँ समस्याएं दिखती है तो समस्याओं के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आखिर है तो जनता का पैसा, आखिर आप लोगों को भरना पड़ेगा ये सब, तो इसीलिए खामियाजा भी आप भुगतेंगे। इसीलिए सोच समझ के 2022 का समय आ रहा है, सोच समझ के वोट देना, कुशल नेतृत्व, झूठे बोलने वाले, झूठ बोलने वाले नेताओं को नकारिए और युवाओं का साथ दीजिए। चलिए वीडियो में समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे और ये वीडियो के माध्यम से जल्द मैं देखूंगा कि कितनी जल्दी यहाँ पर ये बैठे हुए जिम्मेदार लोग धरातल पर आते हैं और इन योजनाओं, चाहे वो सड़क का काम हो, नालियों का काम हो, चाहे जो शाड़ा आम रास्ते से परेशान हो, अतिक्रमण से परेशान हो, इन सब पर आप लोगों को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी। वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय देवभूमि।